हर साल जैसे ही गोरा होना शुरू होता हूँ वापस से गर्मियाँ आ जाती है। 50,000 का एसी लगवा सकते हैं, 50 रुपए का पेड़ नहीं लगाएंगे और फिर बोलते हैं गर्मी बहुत है। कौवे ने मटके से पूछा, तुम आग में तपा के बनाए जाते हो फिर भी इतनी गर्मी में अपने अंदर पानी को कैसे ठंडा रख पाते हो? मटके ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, तू पानी पी ले, ज्यादा पंचायत मत कर। घर में पापा ने बताया कि गर्मी खून में होती है, स्कूल में पता चला गर्मी जून में होती है, बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। जिंदगी में बहुत धक्के खाए तब जाकर पता चला कि गर्मी ना तो खून में, ना जून में और ना ही ऊन में होती है, गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। किसी के पास वो वाला मैसेज है क्या जिसे 11 लोगों को भेजने से धूप कम हो जाए और 21 लोगों को भेजने से टंकी का पानी ठंडा हो जाए, 101 लोगों को भेजने से बारिश आ जाए और जो अनदेखी करे उसका पंखा कूलर और एसी खराब हो जाए? इतिहास गवाह है कि चाहे जितनी भी तेज गर्मी क्यों न पड़ रही हो, रिश्तेदार कभी चाय के लिए मना नहीं करेंगे। टंकी में गर्म पानी के लिए जो दुआ सर्दियों में मांगी थी वो अब जाकर कबूल हुई। सच में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। गर्मियों में घूमने लायक ठंडी जगह HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDBI बैंक, यस बैंक, भूलकर भी केनरा, SBI, BOB, UBI आदि बैंकों में नहीं जाना, यहाँ AC स्लो चलता है। गर्मी का आलम यह है कि मिट्टी का मटका भी आधा पानी खुद पी जाता है। हम इतनी अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करते हैं, भारत रत्न नहीं तो कम से कम नवरत्न तेल ही दे दो, बहुत गर्मी है यार। आम, नीम, पीपल, बरगद जैसे बड़े पेड़ को काट कर घर में मनी प्लांट जैसे पौधे को लगाने वाली मानव जाति को भीषण गर्मी की शुभकामनाएं। कुछ तो पढ़ी लिखी होगी गर्मी, वरना इतनी डिग्रियां लेकर कौन घूमता है।